अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास पेपर जो 2022 में एंट्री टेस्ट हुआ था उसका फिज़िक्स पोर्शन। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्टेरिडियन इज़ द यूनिट ऑफ, बेटा स्टेरिडियन यूनिट होता है हमारा सॉलिड एंगल का और रेडियन जो यूनिट होता है वो होता है प्लेन एंगल का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पास्कल, पास्कल किसके बराबर होता है? पहली बात, पास्कल यूनिट होता है हमारा किसका बेटा, प्रेशर का, ठीक है, और पास्कल बराबर होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट जो होता है वो न्यूटन सेकंड होता है ऐसा यूनिट, और इसकी डायमेंशन होती है MLT इनवर्स 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है हमारे पास द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज इक्वल, ये बेटा इक्वल होता है हमारे पाई रेडियन के, ऑप्शन बी के। नेक्स्ट है द पोजिशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब, बेटा पोजिशन वेक्टर डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन डैश वेलोसिटी, बेटा ऐसी बॉडी जो अपनी वेलोसिटी चेंज ना करे उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन ए। और कोई भी ऐसी बॉडी जो अपनी वेलोसिटी चेंज करे उसको हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड, इट एवरेज एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, बेटा कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होगी रेस से तो उसकी VI इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0, ठीक है, और इसमें हमें VF दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 20 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा हमारे पास A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। VF की जगह लिखेंगे 40, VI 0 है तो 0 लिखेंगे, टाइम की जगह लिखेंगे 20, 40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास द SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है बेटा रेडियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द होल डैश ऑफ द बॉडी मॉस टूवर्ड अर्थ, बेटा ये जो होल वेट, इसका आंसर होगा वेट, वेट ऑफ द बॉडी मॉस टूवर्ड अर्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ सन इज अबाउट, बेटा मास ऑफ सन हमारे पास होता है 2 × 10⁻³० kg किलोग्राम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्क इज डैश क्वांटिटी, बेटा वर्क क्वांटिटी होती है हमारे पास स्केलर, और याद रखिएगा बेटा पावर एनर्जी वर्क तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास 1 hour's पावर इज इक्वल टू, बेटा 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट के, ऑप्शन सी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अ टर्निंग फॉग वाइब्रेट 256 टाइम ईच सेकेंड एंड प्रोड्यूस अ वेव 1.3 meter अलोंग, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वेव, बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है लेमडा फ्रीक्वेंसी और वी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। लेमडा दिया गया है 1.3 meter, फ्रीक्वेंसी दी गई है 256 और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है वी इज इक्वल टू लेमडा एफ, लेमडा की जगह हम लिखेंगे 1.3 और एफ की जगह लिखेंगे उसकी वैल्यू, 1.3 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32.8 meter per। सो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है द वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड, बेटा ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम दरकार हो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ, बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारी करेक्शन ऑफ किसके लिए यूज होता है, वो होता है लॉन्ग साइडनेस के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर लेंस, बेटा पावर लेंस का यूनिट होता है हमारे पास डायपलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय, एक्स रेज को बेटा डिस्कवर किया था रॉन्गटन ने, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट वन है
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता, यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है अ कॉन्वेक्स लेंस इज डैश, बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो थिकर होती है सेंटर से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, वन एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा एक्सपोनेंट माइनस टेन के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कैपेसिटर इज डिवाइस यूज टू, बेटा कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर करता है चार्ज को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट वन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा होगा उसका यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट। नेक्स्ट है वन मीटर इज इक्वल टू, बेटा इसका आंसर है हमारे पास नन ऑफ दिस, वैसे वन मीटर के अंदर हमारे पास होते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, बेटा फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं हम क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं पावर, जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। अगर आप लोगों को इसके पास पेपर चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।